ଭାରତ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଆଜି ଏହି କ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପୁଲି ଥେବରଙ୍କ ବୀରଗାଥା। आज की कड़ी में हम बात करेंगे महान तमिल योद्धा बुली तेवन की। 1 सितंबर 1715 को जन्मे बुली तेवन शुरुआती दौर के उन लोगों में रहे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया। तत्कालीन तमिल इलाके के 77 पॉलीगर यानी स्थानीय सरदारों में से एक थे बुली तेवन। इस इलाके को आज तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जिले के नेलकट्टुम सेवल इलाके के रूप में जाना जाता है। बुली तेवन वहाँ के बेहद शक्तिशाली योद्धा थे। सोलहवीं सदी के आखिरी दिनों में दक्षिण भारत के शक्तिशाली विजयनगरम साम्राज्य के विघटन के बाद पल्लयम का शासन कायम हुआ। इन नायकों और पॉलीगरों ने मुगल जागीरदार आर्कॉट के नवाब की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। अपने इलाकों के वे स्वायत्त शासक रहे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब से कर वसूल करने का अधिकार हासिल किया तो पॉलीगरों ने ब्रिटिश अधिकार को भी मानने से इनकार कर दिया। जाहिर है कि कंपनी इससे नाराज हो गई और इसे पॉलीगर विद्रोह का नाम दिया। कंपनी के साथ पॉलीगरों का युद्ध शुरू हो गया जो करीब आधी सदी तक चला। उस दौर में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले महान पॉलीगर योद्धाओं में बुली तेवन प्रमुख योद्धा थे। ब्रिटिश सेना को बुली तेवन ने पहली बार 1755 में चुनौती दी। तब ब्रिटिश कर्नल अलेक्जेंडर हेरोन ने पश्चिमी तमिलनाडु पर हमला किया था। नेलकट्टुम सेवल में बुली तेवन के किले में ब्रिटिश तोपें नाकाम रहीं। बुली तेवन ने अंग्रेज शिविरों की जासूसी भी कराई जिससे उन्हें लगातार खुफिया जानकारी मिलती रहीं। बहादुरी से किले की रक्षा करने से बुली तेवन की प्रतिष्ठा बुलंदियों पर पहुंच गई और उसका असर ये हुआ कि पश्चिमी पॉलीगरों ने उनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। इससे बुली तेवन को विदेशी शासन के खिलाफ मजबूत किलाबंदी करने में मदद मिली। पड़ोसी त्रावणकोर के महाराजा के साथ गठजोड़ के लिए तेवन ने अपने अनूठे कूटनीतिक कौशल का उपयोग किया। अंग्रेजी सेना 6 साल तक इस इलाके पर कब्जा नहीं कर सकी। बाद में अंग्रेजों ने नए आसामी की नियुक्ति की। इस बीच वे फूट डालने की कोशिश भी करते रहे। इसका असर भी हुआ और पॉलीगरों का त्रावणकोर के साथ हुआ गठबंधन टूट गया। जिस यूसुफ खान को कंपनी सरकार ने आसामी बनाया वो स्थानीय निवासी था और बाद में उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। यूसुफ खान भले ही पॉलीगरों पर नियंत्रण करने में सफल रहा लेकिन बाद में उसने खुद अंग्रेजों से विद्रोह कर दिया। कई पॉलीगर भी उसके साथ आ मिले। उसने बुली तेवन के साथ भी संघर्ष किया। चूंकि उसे पॉलीगरों का भी समर्थन मिलता रहा लिहाजा बुली लगातार अपने इलाके खोते गए। त्रावणकोर की सेना भी यूसुफ की सहयोगी बन गई। लिहाजा दोनों ने मिलकर बुली पर हमला किया। बुली तेवन ने इसका जमकर सामना किया लेकिन वो अपने गढ़ नेलकट्टुम सेवल को नहीं बचा सके। पराजय के बावजूद बुली तेवन तमिलनाडु की जनता के हीरो रहे। विशेष रूप से तिरुनेलवेली और आसपास के इलाकों के लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। तिरुनेलवेली का बुली तेवन पैलेस उनका मुख्यालय था, वहीं उनका जन्म भी हुआ था और उन्होंने अंतिम युद्ध भी यहीं लड़ा था। तिरुनेलवेली में आज भी पूरे समर्पण और सम्मान के साथ हर साल बुली तेवन की जयंती मनाई जाती है।